मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दरगाह हटाने की मांग की, हालांकि हालात को देखते हुए यहां पर पुलिस लगाई गई, लेकिन जैसे ही पुलिस यहां से हटी, रात के समय कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दरगाह है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दरगाह तोड़ दी गई है। ये पूरा मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पंचायत भवन क्षेत्र का है। इस परिसर में भूरे शाह बाबा की दरगाह थी। इस दरगाह के खिलाफ बजरंग दल और धर्म जागरण समन्वय के पदाधिकारियों ने दरगाह को हटाने की मांग की और यहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि इस दरगाह में आपत्तिजनक किताबें मिली हैं जो पाकिस्तान से संबंधित हैं। दरगाह के मौलाना अब्दुल गफ्फार के कमरे से बड़ी संख्या में डब्बे मिलने की बात बताई, जिसमें वशीकरण और बीमारियों के नाम लिखे हुए थे, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर यहां पुलिस बुलानी पड़ी और भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात भी किया गया। हालांकि जो किताबें मिली थी और जो सामान मिले थे, बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों ने उसे जला दिया। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझा बुझा दिया, जिसके बाद यहां से ये प्रदर्शनकारी चले भी गए। लेकिन हम आपको अब दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर आप देखें जो मंगलवार की है। यहां पर आप दरगाह साफ देख सकते हैं कि यहां पर दरगाह है, लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखें कि जब दरगाह रात के समय में कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया, और अब ये तस्वीर दूसरी है जिसमें देख सकते हैं कि दरगाह तोड़ दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए SDM बल्लभगढ़ के त्रिलोक चंद ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ये हम लोगों में बहुत ही रोष है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां, जो सामान मिला है जिसमें नशे की गोलियां, सेक्स बढ़ाने की गोलियां, बच्चा पैदा करने की गोलियां, सास को बस में करने की गोलियां, आदमी को बस में पैदा करने की गोलियां, अब आप सोचिएगा कि जिस व्यक्ति पे कोई डिग्री नहीं है और वो एक सरकारी अफसर दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों के संज्ञान में नहीं है? मामला ये है कि हमने यहाँ एक हमारे हिंदू देवी देवता जो शंकर भगवान की जो मूर्ति थी वो बाथरूम के सामने ना लगा रखी। हमने पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट करी भाई ये ठीक नहीं है, तो SDM साहब से भी मिले हम, ठीक है, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अब आज हम लोग यहाँ से देखने आए थे, साथ में जो मजार है उस पर भीड़ लग रही, महिलाएं आई हुई काफ़ी, तो हमने जब जाकर देखा तो वहाँ ये काम चल रहा है, 1100 2100 2100 रुपये वो ले रहा है, ठीक है। तो हमने उससे पूछा भाई ये क्या चीज़ है, तो हमें देखते ही वो वहाँ से खिसक लिया।